नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका आरके मौर्या कॉमर्स क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। मैं राजकुमार मौर्या। आज की इस क्लास के माध्यम से इनकम फ्रॉम सैलरी चैप्टर के क्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी आपकी बुक में जो चैप्टर है, इसके पहले मैंने आपको एक क्लास दे दी है। इस क्लास में आपको लिखना पड़ेगा हेडिंग भविष्य निधि। इंग्लिश में कहते हैं प्रोविडेंट फंड। भविष्य निधि किसे कहा जाता है, प्रोविडेंट फंड किसे कहा जाता है, हम इसके बारे में बातचीत करते हैं। भविष्य निधि का मतलब, प्रोविडेंट फंड का मतलब, एक ऐसा गुल्लक जो कर्मचारी के या मजदूर के कल्याण के लिए बनाया जाए। एक ऐसा गुल्लक, एक ऐसा कोष, एक ऐसा फंड जो मजदूर के कर्मचारी के कल्याण के लिए बनाया जाए, जिसमें मजदूर या सैलरी पाने वाले पर्सन की सैलरी में से काट करके कुछ अमाउंट डाला जाए और कुछ कंपनी अपनी ओर से डाले, उसे कहा जाता है प्रोविडेंट फंड। ताकि एक निश्चित समय के बाद जब कोई रिटायरमेंट होगा, जब किसी को रिज़ाइन देना हो, जब उसकी ड्यूटी समाप्त होने वाली हो, तो पैसा मिलता है इकट्ठा, उसे बोलते हैं प्रोविडेंट फंड। थोड़ी देर के लिए समझिए, प्रोविडेंट फंड का मतलब एक ऐसा गुल्लक जिसमें एम्प्लॉई मतलब कर्मचारी जो काम करता है, जो नौकरी करता है, एम्प्लॉई, एम्प्लॉयर मतलब होता है मालिक। मालिक सरकार हो सकती है, मालिक विभाग हो सकता है, मालिक कोई कंपनी हो सकती है, कोई फैक्ट्री हो सकता है। कहते हैं भैया पीएफ वह कटता है, जो लोग नौकरी करते हैं कंपनियों में, कहीं पीएफ कटता है। पीएफ का मतलब होता है प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड का मतलब होता है जो कर्मचारी को सैलरी दी जाती है, इसी सैलरी में से काट करके कुछ अमाउंट 1,000, 2,000, 4,000 इस पीएफ खाते में हर महीने जमा किया जाता है। और जितना कर्मचारी एम्प्लॉई की सैलरी से काटा जाएगा, उतना ही एम्प्लॉयर मतलब मालिक भी इसमें अपनी ओर से डाल देता है। जैसे आप लोग गुल्लक बनाए होंगे, आपके घर वाले गुल्लक बनाए होंगे, ठीक है, जो स्टूडेंट गुल्लक बनाए रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे बनाए रहते हैं, तो खुद तो डालते हैं ठन्नी चवन्नी, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया पाते हैं गुल्लक में। लेकिन कभी कभी घर वाले दवाई दया कर देते हैं और डाल देते हैं ना। तो इसमें क्या है, ऐसा गुल्लक देहाती भाषा में, थोड़ा नॉर्मल भाषा में, अपनी भाषा में समझिए, ऐसा कोई गुल्लक जिसमें मालिक भी कुछ डालेगा और कर्मचारी भी डालेगा, और जब डालेगा तो पैसा बड़ा होगा, कुछ समय बाद उसे निकाला जा सकता है। बाद में जब बाद में उसे निकालेंगे तो वह पैसा एक अच्छी जगह पर इन्वेस्ट किया जा सकता है, ज़मीन खरीदी जा सकती है, घर बनवाया जा सकता है, शादी की जा सकती है, और कोई भी जो प्रोग्राम हो उसको आप कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा के ऊपर है। तो मैंने आपको इतना पहले बताया प्रोविडेंट फंड के बारे में। अब आप चलेंगे, हमारे पास किताब है, आपके पास किताब हो या ना हो, केवल सुनिए, समझिए, पढ़िए, जिससे आपका कल्याण हो सके। आपका कल्याण हम चाहते हैं। कहा गया है कर्मचारियों को, किताब में कहा गया है कर्मचारियों को, कर्मचारी का मतलब जो नौकरी करता है, सुरक्षा मतलब सिक्योरिटी, तथा छोटी छोटी बचतों को प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न प्रकार की भविष्य निधि बनाई जाती है। कई प्रकार की भविष्य निधि होती है, 4 प्रकार की होती है। वही लिखा है जो मैंने बताया, कुछ एम्प्लॉई का पैसा काट के दिया जाएगा, कुछ एम्प्लॉयर उसमें काट के डाल देगा, अपने आप से डाल देगा, मतलब खुद हम वो डालेंगे, हमारे मम्मी पापा जो हैं, घर वाले जो हैं, वह डाल देंगे इसमें पैसा ना।
तो एक तरह से मालिक मालिक भी डाल देगा और कर्मचारी के वेतन से काट के डाल देगा। जितना कर्मचारी का डाला जाता है उतना मालिक भी डाल देता है। एक ऐसा समय आता है जब वह रिटायर होना चाहे, जब वह सेवानिवृत्त होना चाहे, उस पर ब्याज वाज मिला करके कंपनी की ओर से पेमेंट कर दिया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम प्रोविडेंट फंड के नाम से जानते हैं, जिसे हम क्या जानते हैं, प्रोविडेंट फंड के नाम से जानते हैं। आपको याद रखना है जो मैं बता रहा हूँ, आपको समझना है। ज़रूरी नहीं कि सब कुछ लिखने होगा, इतना नहीं आता है तो बेकार है फिर ज़िंदगी। आपको लिखना है टाइप्स ऑफ भविष्य निधि के प्रकार, हेडिंग डाल लीजिए भविष्य निधि के प्रकार। वैधानिक भविष्य निधि पहली होती है, वैधानिक भविष्य निधि पहली होती है, इंग्लिश में कहते हैं स्टेटूटरी प्रोविडेंट फंड, स्टेटूटरी प्रोविडेंट फंड। ये आपको हेडिंग डालना पड़ेगा, स्टेटूटरी प्रोविडेंट फंड। आपके पेपर से संबंधित, आपके बुक से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्टेटूटरी प्रोविडेंट फंड या अदर कोई प्रोविडेंट फंड होता है तब। आपको इसमें ध्यान देना पड़ेगा, क्या ध्यान देना पड़ेगा स्टेटूटरी प्रोविडेंट फंड में, आपको ध्यान देना पड़ेगा यह सरकारी गवर्नमेंट मतलब कि सरकारी अर्ध सरकारी सरकारी अर्ध सरकारी शिक्षण संस्थान, सरकारी कार्यालय बैंक ऑफिस, गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट ऑफिस बैंक और ऑफिस में जो लोग नौकरी करते हैं उनके लिए दी जाती है। ये जो है सरकारी वाली, वैधानिक वाली किसको दी जाती है, सरकारी अर्ध सरकारी शिक्षण संस्थान सरकारी कार्यालय बैंक ऑफिस में नौकरी करने वालों को यह दिया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यह जो होता है कर मुक्त होता है। कर मुक्त का मतलब होता है एग्जेम्प्ट होता है। इसे आप पहले अपनी कॉपी में लिखेंगे तब हम आगे बढ़ेंगे। आपको अब अपनी कॉपी में लिखना है प्रमाणित प्रोविडेंट फंड, प्रमाणित, एक मात्रा ज्यादा लग गई, प्रमाणित भविष्य निधि। इंग्लिश में बोलेंगे रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड। यह रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड कहां पर लागू होता है? ये जो लागू होता है प्राइवेट बैंक में लागू होगा, प्राइवेट बैंक में लागू होगा, फैक्ट्री में लागू होगा, इंश्योरेंस कंपनियों में लागू होगा, उसके अलावा ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में लागू होता है, कोई व्यापार करने की संस्था है। प्राइवेट में जो फैक्ट्रियों में नौकरी करने जाते हैं, प्राइवेट कंपनियों में नौकरी करने जाते हैं, उनके यहाँ यह नियम कानून यह लागू होगा। इसको आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब बात आती है आगे की, तो इसमें सबसे ज़्यादा नियम है, कानून है, और यही आपको पेपर में, पेपर का मतलब है क्वेश्चन में मिलेगा।
यही परेशान करेगा। लेकिन परेशान क्या करेगा, जब हम आपको बता दे रहे हैं आप पढ़ लेंगे तो परेशान करने की कोई बात ही नहीं है। जो स्टूडेंट क्लास को छोड़ देंगे, वीडियो को छोड़ देंगे, वो सोचेंगे हम लाओ पहुँच के पहुँच जाएँ, तैर करके पहुँच जाएँ, जल्दी से पहुँच जाएँ कि क्वेश्चन सॉल्व करने लगे सौ कुमारा, वो पक्का गड़बड़ा जाएगा। पहले बता दे रहे हैं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट पागल बन जाते हैं, नहीं पढ़ पाते, हमें पता है क्योंकि चैप्टर बड़ा है, एक महीना लगेगा पढ़ाने में हमको ही, सीधी सी बात है। बाकी बात आप समझ सकते हैं। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का नियम होता है कि मैंने क्या बोला, एक ऐसा गुल्लक है जिसमें एम्प्लॉय जो होता है वो अंशदान करता है खुद है। हम नौकरी कर रहे हैं तो हम इसमें डालेंगे पैसा गुल्लक में, जो भी डाला जाएगा उससे कोई मतलब नहीं, हमारी वेतन से चाहे जितना काट के इसमें डाल दिया जाए, यानी कि एम्प्लॉय के सैलरी से चाहे जितना काट करके इसमें डाल दिया जाए, लेकिन एम्प्लॉयर सैलरी का 12% से अधिक अगर पैसा इसमें डालेगा तो टैक्सेबल होगा। सैलरी का 12% से अधिक पैसा डालेगा, मान लीजिए श्यामू हमारे यहाँ हैं, ये नौकरी करते हैं कहीं पर, इनके भैया नौकरी करते हैं प्राइवेट कंपनी में, मान लीजिए दवाई वाली कंपनी में बता रहे थे करते हैं, तो इसमें इनके भैया की सैलरी से, श्यामू के भैया की सैलरी से जो काट करके पैसा डाला जाएगा, चाहे जितना डाल दें, चाहे पूरी सैलरी ही डाल दें, ठीक है, ऐसा नहीं है कि पूरा डाल देंगे, खाएंगे का कमरा किराया का देंगे ना, का पैदल चलेंगे। लेकिन जो मालिक है कंपनी का, वो मालिक इनके वेतन का मतलब होता है, समझिए, बेसिक सैलरी, बेसिक पे, डीए अंडर टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये चीज आगे आपको मिलने वाली है, और कमीशन का सैलरी का मतलब जो 12% निकाला जाएगा, इतना सब जोड़ के क्वेश्चन में दिया रहेगा तो उसी का 12% तक एग्जेम्प्ट होता है। और पता लगा 13 दे दिया, मैं आ गया तो कहा बहुत अच्छा आदमी का लाओ 13 दे दे, तो 12 तक तो एग्जेम्प्ट और 1% क्या होगा टैक्सेबल, 12 तक एग्जेम्प्ट होगा और एक जो होगा 1% टैक्सेबल, इसको लिख लो। अब आगे समझिए, फिर समझिए, एम्प्लॉई का चाहे जितना कर दे, एम्प्लॉयर सैलरी के 12% से अधिक नहीं करना चाहिए, अगर कर देगा तो जितना अधिक करेगा, 12% मतलब इस सब पैसा जोड़ के क्वेश्चन मिलेगा, पढ़ाएंगे समझाएंगे तब आगे बढ़ेंगे, पहले नियम समझो तो क्वेश्चन अभी बहुत दूर है, ठीक है, इतना आप लिख लेंगे 12% तक एग्जेम्प्ट, 12 से ज़्यादा टैक्सेबल। और ये जो पैसा गुल्लकों में रखा गया है फंडवा में, तो ये कंपनी यूज करती है, बड़ी बड़ी कंपनियां इसको मार्केट में लगाती हैं, यूज करती हैं, का पैसा रख के बढ़ेगा थोड़ी, गुल्लक में भर के रख दो, 100 रुपया रखे हो 100 रुपया रहेगी, 1 लाख रखे हो गुल्लक भर में गगरी में रख के 1 लाख ही रहेगी, सड़ जाए भले का दो नोट, तो आप समझिए क्या हुआ। अब आपको मैं समझा रहा हूँ, ते पे मिलेगा भैया ब्याज, इंटरेस्ट, ब्याज मिलेगा, ब्याज अगर कंपनी की ओर से 9.5% तक दिया जाएगा तो एग्जेम्प्ट, और पता लगा कहा लाओ 10% दे दी तो 9.5% टैक्सेबल, कहा 11% दे दी तो 9.5% तक तो एग्जेम्प्ट रहेगा, और 11 दे दिया तो 1.5%, मतलब जो भी दिया जाएगा 9% तक एग्जेम्प्ट होगा। एक बार फिर से समझ लीजिए, अगर भूल गए तो बहुत बड़ी कमी आपकी मानी जाएगी, हमारी कोई कमी नहीं है, मैं पढ़ा रहा हूँ चिल्ला करके बोल करके, अगर आपको नहीं आएगा तो ये आपकी बड़ी कमी मानी जाएगी और ऐसा आपको कहीं पढ़ाने को मिलेगा भी नहीं। 9.5% की दर से ब्याज एग्जेम्प्ट होगा, ज़्यादा मिलेगा तो टैक्सेबल होगा, 12% मालिक 12% तक करता है तो एग्जेम्प्ट और 12 से ज़्यादा कर दे तो टैक्सेबल, एका लिख लो अपने कॉपी में। फिर आगे हम बढ़ते हैं अगले नियम की ओर, आपको ध्यान देना है तीसरा नियम, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, एका हिंदी में बोलते हैं आ प्रमाणित भविष्य निधि, क्या बोलते हैं
अप्रमाणित भविष्य निधि जो ना तो वैधानिक हो यानी कि स्टेटूटरी ना हो और ना ही प्रमाणित हो वही होता है अप्रमाणित भविष्य निधि। इसमें कुछ नहीं करना है आपको, केवल याद रखिए अप्रमाणित भविष्य जो ना तो वैधानिक हो ना तो प्रमाणित हो उसे क्या बोला जाता है अप्रमाणित भविष्य निधि, इसको आप याद रखना है ठीक है। इसमें कोई नियम नहीं है, कोई कानून नहीं है, यह जो है छोटी छोटी संस्थाओं द्वारा रखी जाती है, छोटे छोटे कारोबार जहां होते हैं 10-5 में नहीं जहां काम करते हैं, छोटे छोटे लघु उद्योग ठीक है वहां पर रखा जाता है। इसे आप अपनी कॉपी में नोट करके लिखना प्रारंभ कर दें। अगला है सार्वजनिक भविष्य निधि पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सार्वजनिक भविष्य निधि पब्लिक प्रोविडेंट फंड ये कौन रखता है, पेशेवर व्यक्ति रखते हैं। पेशेवर का मतलब डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, ये सब लोग, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इसकी कटौती मिलती है धारा 80C से धारा 80U के अंतर्गत। प्रोविडेंट फंड का टॉपिक समाप्त होता है, आपको आगे हम बता रहे हैं प्रोविडेंट फंड के बाद भत्तों के संबंध में, अलाउंसेस के संबंध में, पहले इसे आप अपनी कॉपी में